खबराजम से, जहां पर कृषि उपज मंडी में कृषि ऋण माफी त्योहार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक अमितेश शुक्ल ने ऋण माफी योजना के तहत पंजीकृत किसानों के करोड़ों की ऋण की माफी की घोषणा की। वहीं किसानों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अमितेश ने कहा है कि हमारी सरकार ने घोषणाओं को 10 दिन के भीतर अमल में लाकर मिसाल कायम की है। राहुल जी की सोच थी, उन्हें बोला कि 10 दिन के अंदर करो, और उसको तत्काल में भूपेश भाई ने 10 दिन के बदले तुरंत जैसे ही उन्हें शपथ ली, इसको तत्काल के आयोजित करवाया भूपेश भाई ने। और अब देखना ये है कि जो इन लोगों को जो ऋण मिला है, वो उसमें जो ऋण मिल गया है, उन लोगों को खाद बीज उसमें कोई अधिकारी तंग ना करेगी, जो पुराना ऋण है उसको लेके उनको खाद और बीज ना दे, या उनको और दूसरी सुविधाएं जो मिलती हैं जो किसानों को, पुराना ऋण जो उसने लिया था जो माफ हो चुका है, उस बेस पे उनको तंग न करे। कृषक ऋण माफी तिहार के अंतर्गत फिंगेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत की जिला सहकारी बैंक की 3 शाखाओं फिंगेश्वर, राजिम और कोपरा के अंतर्गत 13 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से संबंधित लगभग 12,726 किसानों का 41 करोड़ 11 लाख रुपए का ऋण माफ किया गया है। सरकार के ऋण माफी योजना में हमें बहुत लाभ हुआ है। मेरे खेत तो ऐसे 15-20 एकड़ का है, ऐसे संयुक्त खाता में 40 एकड़ का जमीन है लगभग।